बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ की फजीलत के मुतालिक किसको मालूम नहीं है? सब जानते हैं कि दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन जुम्मे की दिन और जुम्मे की रात दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत क्या है, क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जुम्मे की दिन और जुम्मे की रात को दुरूद शरीफ पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है। वैसे तो हमें चाहिए कि हम हर दिन दुरूद शरीफ कम से कम सुबह 100 मरतबा, शाम को 100 मरतबा पढ़ लिया करें, लेकिन बिलखसूस जुम्मे की दिन और जुम्मे की रात को हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और इसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बयहक़ी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे की दिन और जुम्मे की रात को कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ लिया करो। क्यों? इसलिए कि जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो भी शख्स जुम्मे की रात को और जुम्मे के दिन को मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूँगा। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है। हर किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की ज़रूरत है। आजकल जो हम लोगों से गुनाह हो रहे हैं, आप सबको मालूम है कि हर कोई आजकल गुनाहों में मुबतला है, गुनाह से बचना ही मुश्किल है आजकल। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वैसे भी दुरूद पढ़ लिया करें, और बिलखुसूस जुम्मे की रात और जुम्मे के दिन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान की है कि मैं उसकी क़यामत के दिन शफाअत करूँगा, तो इस वजह से इस रात को और जुम्मे के दिन को कसरत से दुरूद पढ़ लिया करें, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हम सबको नसीब हो जाए। और इसी तरह एक दूसरी हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात कसरत से दुरूद पढ़ने की तरगीब दी है। हज़रत औस बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है गालिबन, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमा, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन जो है जुम्मे का दिन है। فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ, लिहाजा तुम जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ लिया करो। क्यों? इसलिए कि فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, इसलिए कि इस दिन तुम्हारा दुरूद का पढ़ना ये मुझ पर पेश किया जाता है। तुमने जो जुम्मे के दिन जो मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा वो फरिश्ते मुझ पर पेश करेंगे। तो इसलिए कसरत से इस दिन मुझ पर दुरूद पढ़ लिया करो। एक तो जुम्मे का दिन है, अफजल तरीन दिन है, और ऊपर से आप जब दुरूद पढ़ेंगे तो इसमें और भी जो है फजीलत इसकी और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में जो अफजल तरीन दिन है यानी जुम्मे का दिन, इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ लिया करो। और इसी तरह एक दूसरी हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्थिरु सलात अलैया यौमल जुमअति व लैलतल जुमअ, فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ عَشْرًا أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन और जुम्मे के रात मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ लिया करो। इसलिए कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे की रात और जुम्मे के दिन दुरूद पढ़ने की तरगीब दी है कि जो शख्स इस रात और इस दिन को मुझ पर दुरूद पढ़ता है या वैसे भी आम तौर पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें अपने नाजिल फरमाते हैं। तो कसरत से वैसे दिगर अय्याम में भी दुरूद शरीफ पढ़ा करें, लेकिन बिलखसूस जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात की चूँकि फजीलत साबित है हदीस से, तो इसलिए इस दिन और इस रात को कसरत से दुरूद पढ़ लिया करें। हज़रत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने किताब अल-उम्म में फरमाया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना बहुत ज़्यादा महबूब है। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात और भी ज़्यादा महबूब है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम इस दिन और इस रात को दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। इसकी फजीलत क्या है, सुनिए ज़रा। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अलैहि रहमा ने बज़लुल माउन के अंदर सफ़ा नंबर 333 में फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजने का फ़ायदा यह है कि
इससे बड़ी बड़ी आफतें, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े अमराज और वबाएं जो है इस दुरूद पढ़ने से इसका खात्मा हो जाता है। दुरूद शरीफ का पढ़ना ये बड़ी बड़ी मुसीबतों के लिए और आफतों के लिए और अमराज और वबाओं के लिए ये खात्मे का सबब है। तो लिहाजा अगर खुदा न खास्ता कहीं पर अमराज फैल गए हों या इसी तरह खुदा न खास्ता आफतें और मुसीबतों का आपको सामना हो तो कसरत से दुरूद पढ़ा करें, क्योंकि यही चीज़ है कि इसके वजह से अल्लाह तबारक व ताला इन अमराज का खात्मा फरमाएंगे, इन मुसीबतों से आपको छुटकारा दिलाएंगे और इसी तरह जो वबाएँ और आफतें नाजिल हुई हैं आसमान से उन सब का खात्मा सिर्फ दुरूद पढ़ने से है। लिहाजा कसरत से दुरूद पढ़ा करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टेंशनों से, इन परेशानियों से, इन बीमारियों से निकल जाए तो कसरत से दुरूद पढ़ा करें। और इसी तरह कसरत से दुरूद पढ़ना ये आपकी मगफिरत का भी सबब बन सकता है, इससे अल्लाह तबारक व तआला आपकी मगफिरत फरमाएंगे अगर आप कसरत से दुरूद पढ़ेंगे। इस पर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, ये वैसे वाकया नहीं है, ये फजाइल दुरूद शरीफ में सफर नंबर 156 में ये वाकया लिखा है। फरमाते हैं कि हजरत अबुल अब्बास अहमद बिन मंसूर का वाकया नकल किया है कि जब उनके इंतकाल हुआ तो अहले शिराज में से किसी आदमी ने उनको देखा ख्वाब में कि शिराज की जामिया मस्जिद में मेहराब के पास खड़े हैं, नया जोड़ा पहना हुआ है, सर पे मोतियों और जवाहर से लदा हुआ ताज है। तो इन्होंने पूछा उससे, ख्वाब देखने वाले ने उससे पूछा कि क्या माजरा है, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मेरी इज्जत और इकराम की अल्लाह तबारक व ताला ने, और मुझे ये ताज सर पे पहनाया और ये नया जोड़ा मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने पहनाया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत से दुरूद पढ़ा करता था। तो कसरत से दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी है। लिहाजा अगर हम और आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी मगफिरत फरमाए तो कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू कीजिए। अगर हम और आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें मुसीबतों से निकाले, अल्लाह तबारक व ताला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला हर बला और आफतों से हमें दूर रखे तो कसरत से हमें दुरूद पढ़ना होगा। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात हमें नसीब हो तो जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात कसरत से दुरूद पढ़े। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर जुम्मे के दिन जुम्मे की रात को दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ात करूँगा। चूँकि ये दिन फजीलत वाला दिन है इसलिए इस दिन और इस रात को कसरत से दुरूद पढ़ा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपका दुरूद पेश किया जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आप सबको कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और बिलखसूस जुम्मे की दिन और जुम्मे की रात कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।